है, तो मानव की खोज करने का ईश्वरीय उद्यम है। शुभ संदेश। प्रभु के प्रेम के बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आती हैं। मैं क्या करूं? प्रभु, वो कौन है? डरम बेटे, ठीक हो तुम? बापूजी, हम ठीक हैं। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, तानाशाही, नहीं जाओ, क्या जाओ? मैं बाइबल में बताई गई बातें सत्य हैं? क्या यीशु भगवान है? Understand all these things. When you become Christian and you are baptized, then you find the answer to your question. I would hate to be a Christian. Sorry. 1958 में सिनेमा निर्माता और निर्देशक केदार शर्मा ने अपनी सिनेमा में अभिनय करने के लिए मुझे न्योता दिया। क्या तुमने अपने पिताजी की इज्जत के बारे में सोचा? अपने धर्म और जाति के बाहर की लड़की को हम तुम्हारी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते। एक ईसाई लड़की को अपने घर में ठहराना, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? क्या थोड़ा सा बाइबल का ये हिस्सा मुझे पढ़कर सुनाएंगे? ठीक है। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरा अनुसरण करेंगी और मैं यहोवा के घर में सदा सर्वदा वास करूंगा। मैंने कितनी बार बताया तुम्हें, ये बाइबल मेरे पास लेके नहीं आना। क्या नाम है उनका? भक्त सिंह। सुसमाचार के अच्छे और मशहूर वक्ता हैं वो। आप जरूर उनसे मिले। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। प्रभु आपको वहां ले चलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा प्रभु मुझे वहां ले चलेगा, वो भी विश्व बैंक की मीटिंग से उठाकर? मेरी प्रार्थना है कि आप उनके दर्शन जरूर कर। मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं सकता। ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं माँ, मैं जरा गिर गई थी इसलिए चोट लग गई। कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनकर शुरुआत की। उसके बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं नियुक्त हुआ। एकदम आकस्मिक रूप से मेरी नजर साधु सुंदर सिंह की किताब विद और विदाउट क्राइस्ट पर पड़ी, जो आशा ने मेज पर पढ़कर छोड़ दी थी। मेरे बेटे, कब तक तू मुझे सताता रहेगा, मुझसे दूर भागता रहेगा? मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। बड़े लंबे अरसे से तेरे प्रेम को मैंने परख कर जान लिया है प्रभु। तब क्यों तू मुझसे भागकर छिपता जा रहा है? मैं तेरे पास आ नहीं पाता हूं। इतने दिनों तक मैं तेरे वचनों को, तब भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु, दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं मैं, तब भी तू मुझसे प्यार करेगा? अवश्य। मैंने अपना रक्त बहाकर तुझसे प्रेम किया है मेरे पुत्र।
ईश्वर, इतने वर्षों की मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इतने वर्षों से तुम्हारे कान थे पर तुमने सुना नहीं, तुम्हारी आंखें थी पर तुमने देखा नहीं। जीवन एक अवसर है, दुनिया से प्यार करने वाले परम पिता परमेश्वर को पहचानने का अवसर। अब धर्म प्रकाश शर्मा यह अवसर नहीं गंवाएगा। ये मेरे परमेश्वर के लिए मेरे दिल का करार है। मैं बपतिस्मा संस्कार के माध्यम से उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। वर्षों पहले मैंने अजमेर के एक सम्मेलन के बाद पुष्पर के सरोवर पर ईश्वर से प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना का उत्तर आज मेरे सामने मेरे साथ है। अपना यह फैसला पूरी तरह सही लगता है? ऐसा तो लगता नहीं कि यह गलत है। बाइबल मैंने भी पढ़ी है पर उस कारण क्या मैंने राजनीति छोड़ी है? ये मेरा एक निजी अनुभव है, ये एक खोज का परिणाम है। मैं ये इस्तीफा स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। तुम जवान हो, जीवन की सीढ़ी के और भी बहुत से पड़ाव को पार करना है तुम्हें। एक बार और सोच लो। मैं तुम्हारे प्रभु के मार्ग पर चलूंगा। एक और जन्मदिन। 3 दशकों से अनवरत चल रही मेरी खोज ने बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा मुझे यहां तक ला दिया। जीवन के विभिन्न चेहरों को देखा, बड़ी तीव्र आत्मपीड़ा का अनुभव किया। आखिरकार मैंने प्रभु को ढूंढ लिया, नहीं, प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया।